हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान 0.7 में। आज मैं आपको बताऊंगा श्रीराम फाइनेंस की जॉब वैकेंसी जो एक नई निकली हुई है और फ्रेशर्स के लिए है, और बैक ऑफिस की जॉब है। आप बैक ऑफिस की जॉब बहुत ढूंढते हो, तो आज मैं आपको उसका प्रोफाइल भी बताऊंगा, क्या काम करना पड़ता है, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा ताकि आपको पता रहे और आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि फ्रेशर का जॉब है, बढ़िया जॉब है और सैलरी भी काफ़ी हाई है। 24,000 पर मंथ की सैलरी है श्रीराम दे रहा है, तो आप मेरे ख्याल से OP3 OP4 में देगा आपको जॉब, ठीक है। तो मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ। देखिए, श्रीराम फाइनेंस में जो बैक ऑफिस का जॉब होता है उसमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंस की जो फाइलें होती हैं उसको वेरीफाई करके कस्टमर से फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है। कस्टमर का वो डिटेल आपके पास में रहेगा कि कितने का लोन ले रहा है, कौन सी गाड़ी ले रहा है, कौन सी कलर की गाड़ी ले रहा है, कितना डाउन पेमेंट कर रहा है, कितना किस्त है, बाप का नाम, माता का नाम, पूरा बायोडाटा फाइनेंसर आपको ला के दे देगा। अब आपको उसको चेक करना है कि ये लोन सही है या फॉल्स है। फॉल्स लोन भी होते हैं दुनिया में, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। तो आप उनको कॉल करेंगे और आप नहीं बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे, सर मैं श्रीराम फाइनेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। बोले हाँ बोलिए, आप गाड़ी फाइनेंस कराना चाहते हैं, गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं जी, कौन सी गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं, वो बताएगा ये। अच्छा, कौन से कलर में करा रहे हैं, बोलेगा ये। कौन से कंपनी की है, बोलेगा ये। कितना आपका डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बोलेगा इतना है। लोन कितने का ले रहे हैं, इतने का ले रहे हैं। आपकी मंथली किस्त कितने की आ रही है, बोलेगा इतने की आ रही है। सब कुछ बायोडाटा मिल गया तो मतलब कस्टमर जेन्युइन है और जेन्युइन फाइल है, उसी को अप्रूवल करना है। जहाँ भी लगा आपको फ़ोन में कि आदमी नहीं बता पा रहा है, आदमी नहीं जानता है, तो समझ जाना फॉल्स है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उसको सब कुछ बता देता है कि आपकी इतनी किस्त होगी, इतने फाइल आएगी और आपसे ऑफिस में रिक्वायरमेंट में आपको पूछा जाएगा। तो जो नहीं बता पाया, समझ जाना वो फाइल आप को आगे नहीं बढ़ाना है, वो फॉल्स फाइल में आपकी गलती मानी जाएगी, आप पे एक्शन हो सकता है। जब आप वेरीफाई अच्छे से किए नहीं और फाइल को भेज दिए हैं या फर्जी केस हो गया, तो इसमें आपको भी बोल सकते हैं। तो ये एक मेन काम है। सेकंड काम होता है जो जितने फाइनेंस की जो फाइलें होती है उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, कितने का इस महीने लोन गया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब बैक ऑफिस का ही काम होता है। प्लस कलेक्शन का जो कैशियर का जो काम रहता है, वो कलेक्शन लेना, कितना कलेक्शन रहता है। जैसे होता है टीआर क्या होता है, टेम्प्रेरी रिसिप्ट, वो उसको 3 दिन में जमा करना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव फील्ड पे गया है, अगर वो कैशियर को अगर वो 3 दिन में जमा नहीं करता है, 4th दिन जमा करता है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिनिमम 3 दिन के अंदर उसको कैसे भी करके टीआर जमा करना पड़ता है। 3 दिन के अंदर नहीं किया मतलब उसको पैसे को रोलिंग कर दिया, ठीक है, ऐसा काम भी होता है। तो कैशियर का ये होता है, बाकी सिंपल काम है। आपको फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोन से ही पूरा काम करना है, एक्सेल में फाइल को अपलोड करना है और अप्रूवल के लिए भेजना है, और कुछ भी नए मेल्स आते हैं ऑफिस के, कुछ चेंजिंग होता है, कुछ अपडेट होता है, वो जाके बीएम को बताना है, फिर बीएम मीटिंग लेके बता देगा, ठीक है। इसमें आपको सैलरी मिल रही है 24 तारीख को, मैं बता रहा हूँ आपको, पोस्ट भी दिखा दूँगा, बाकी आपको सब कुछ और बता दूँगा, ठीक है। अब बात है आपके इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप बैक ऑफिस में लग ही नहीं पाएंगे। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखना, ठीक है। इंटरव्यू पहले बात तो आपको मॉक इंटरव्यू लेगा, सेल्फ अपना इंटरव्यू दे देना, ठीक है। तो पूछेगा आप कंप्यूटर के बारे में क्या क्वालिफिकेशन पूछेगा, क्योंकि आपका काम कंप्यूटर का है, ठीक है। तो आप बता देना कंप्यूटर में आप, मैं सब जानता हूँ, ये जानता हूँ, ठीक है, फाइलें अपलोड करना आता है, ठीक है। तो बैक ऑफिस के बारे में कुछ नॉलेज है, फाइनेंस में बैक ऑफिस में क्या काम होता है, जी सर नॉलेज है मुझको बैक ऑफिस का, सर फाइलें वेरीफाई करना है, कस्टमर वेरीफाई करना है, कोई गलत फाइनेंस तो नहीं कर रहा है, पूरा कस्टमर से A to Z डिटेल लेने के बाद ही फाइल को अप्रूवल के लिए भेजना है, बाकी जितनी फाइल है उनके मेंटेनेंस करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर दिया आपका बैक ऑफिस का काम हो गया, ठीक है, मतलब इंटरव्यू का काम हो गया। लेकिन एक बचेगा आपका फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सबसे मेन है, सबसे मेन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और ये बैक ऑफिस के लिए मैं बता दे रहा हूँ 100 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बाकी
सेल्स फील्ड वालों के लिए 100 नंबर का होता, 30 नंबर का होता है, आपके लिए 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर बैक ऑफिस में जॉब करना जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैक ऑफिस इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में आपसे वो एप्लीकेशन लिखा लेगा कुछ, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन लिखो बोल के, रिजाइनिंग एप्लीकेशन लिखो बोल के, वो आपकी इंग्लिश जानेगा, ठीक है। इंग्लिश बात नहीं करना है उससे, हिंदी में बात करना है, ठीक है। अगर अच्छी इंग्लिश है आपकी तो बात करो, इंग्लिश में चलेगा, लेकिन आपका मेन ग्रामर ज़्यादा होना है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या क्या सवाल आएंगे अभी से सुन लो, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में ग्रामर से संबंधित ज़्यादा सवाल आएंगे, इंग्लिश से ज़्यादा सवाल आएंगे, कंप्यूटर से ज़्यादा नॉलेज से सवाल आएंगे, ठीक, क्योंकि आपका काम के ऊपर ही देता है, ठीक है, कि आपकी ग्रामर कैसी है, क्योंकि आपको पूरा काम इंग्लिश में करना है और हाई लेवल पे भेजना है, ठीक है, वो उस फाइल को। तो आपकी ग्रामर ख़राब होगी तो ब्रांच का नाम ख़राब होगा, तो रखा बीएम का नाम ख़राब होगा, एचआर का नाम ख़राब होगा जो रखा है। तो इंग्लिश आपकी अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ए टू जेड कंप्यूटर का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेल आपको फाइलें अपलोड करनी आनी चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका 100 नंबर रहेगा, 50 नंबर में फेल हो आप, सुन लो, 50 नंबर में आप फेल हो, आप कम से कम आपको 60+ लाना पड़ेगा, 60+, ठीक है, 55 भी नहीं चलेगा, 60 आ गए, 60 के ऊपर कितना भी जोड़ो, 65-70 आप पास हो, लेकिन 50 में आप फेल हो, आपको जॉब पे नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है बैक ऑफिस जॉब के बारे में, आपको मैंने काम बता दिया, नॉलेज हो गया, मॉक तो आप क्लियर कर लोगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको, है, और मैं आपको बता दिया हूँ क्या बोलते हैं उसको, आपको क्या देखना है एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। मैथ्स के थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे, ईएमआई के कैसे जोड़ना घटाना है, बाकी ग्रामर के ज़्यादा रहेंगे और कंप्यूटर नॉलेज के ज़्यादा रहेंगे, प्लस आपके थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैं आपको पहले ही पेपर बता दे रहा हूँ, यही पेपर आपको आएगा, यही पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे सब्सक्राइबर जो ये वीडियो देख लेंगे, मैं अच्छे से इंटरव्यू दिए, अच्छे से बात किए, तो मैं बोल रहा हूँ आपका 100% जॉब लग जाएगा। अब ये देखिए श्रीराम फाइनेंस का इंटरव्यू है, ठीक है, ये फ़ोटो लगा दिया हूँ मैं, ठीक है, और ये इंटरव्यू है 8 नवंबर को, ठीक है, इसमें चाहिए 8 नवंबर को है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। फ्रेशर्स के बाद आप एक्सपीरियंस हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेशर्स है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट है, ठीक है। और एज मांगा है 28 ईयर्स तक मांगा है, ठीक है, डेट है 8 नवंबर, टाइमिंग है 9:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मांगा साइंस एंड कॉमर्स, ओनली साइंस एंड कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और CTC है 3 लाख PL, मतलब 3 लाख रुपए का सालाना पैकेज है, जिसके हिसाब से आपको 23-24 हज़ार रुपया सैलरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी है। बैक ऑफिस में कुछ नहीं करना है, आराम से ऑफिस जाना है, 9 बजे जाके कंप्यूटर में बैठना है, AC में बढ़िया कान में हेडफोन लगा दो, गाना सुनते रहो, काम करते रहो करते रहो, ऐसे काम निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका आपको एड्रेस लिख के दे रहा हूँ, नीचे बता भी देता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस और आपको पूरी डिटेल की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एड्रेस सुन लो, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, 2nd फ्लोर, खारा नंबर 253, 1/1, राधे राधे कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर चौराहा, दौड़पुर, तारामंडल, गोरखपुर। तो गोरखपुर का ये इंटरव्यू है, इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और जिसमें रिज्यूम अपलोड तो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है तो कर लो, क्योंकि वॉक एंड इंटरव्यू में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप 8 नवंबर को इस जगह पे आप पहुंच जाना, बोरिया बिस्तर, अपना डॉक्यूमेंट लेके, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी, रिज्यूम, मार्कशीट, ये मेन, और ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बैक ऑफिस में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मांगते हैं ड्राइविंग लाइसेंस उन लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लेके जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना, ठीक है। ये जो आपको वैकेंसी दिखाया, इसका नीचे आपको वो रहेगा, तो ठीक है। आज मेरे को आपको समझाना था बैक ऑफिस जॉब क्या होता है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे
तो बिल्कुल आप काम नहीं कर पाएंगे और इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे और जॉब नहीं लगेगी। और आपको पहले से बता दिया आपको क्या जॉब करना है, तो जॉब करना भी ईजी रहेगा और आप इसमें अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो ये मेरा चैनल अपडेट हो चुका है, पहले मेरा फाइनेंस ज्ञान था, अब मेरा चैनल का नाम हो गया फाइनेंस का ज्ञान 0.7 हो गया है। तो अब मैं डिटेल में हर चीज़ वैकेंसी भी निकालूंगा, तो हर पोस्ट के बारे में आपको पहले से बता दूंगा ताकि इंटरव्यू क्रैक करो और जब आप जॉब के लिए ज्वाइन करो तो आपको नयापन ना लगे, आपको पता रहे आपका क्या काम है। जब आपको पता रहेगा आपका क्या काम है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का हेल्प लेके आप एक महीने में ट्रेन हो जाओगे, सेकेंड या थर्ड मंथ से आपकी इनकम बढ़िया चालू हो जाएगी। बस दोस्तों मैं आपके लिए इतने कर सकते हैं और 10,000 सब्सक्राइब पूरे वाले होने वाले हैं थैंक्स टू आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। कभी भी मुझको कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 7204945416 मैं व्हाट्सअप कीजिए, हाय एडमिट मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। वहाँ मल्टीपल वैकेंसी रोज आती है आप हर शहर की, आप उसमें कहीं भी आपको अच्छा लगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे है नेक्स्ट वीडियो है, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे एक बेहतरीन वीडियो में। आज के टॉपिक है तो मैं बताऊँगा आपको शाम को 7 बजे, तो मिलते हैं तब तक, बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।